हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मॉनसून ने मुंबई वालों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे तो मुंबई में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट है, लेकिन आने वाले 3 घंटे भारी हो सकते हैं। अंधेरी से लेकर नाला सोपारा तक हर जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कांदीवली में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉनसून आफत बना हुआ है। ठाणे और धुले में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई में कल से जोरदार बारिश हो रही है। एक तरफ मुंबई पर कोरोना की मार, दूसरी तरफ बारिश ने मुंबई वालों की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। आइए दिखाते हैं आपको मुंबई के क्या हाल हैं अभी। मुंबई में मॉनसून की मूसलाधार बारिश मुश्किलें लेकर आई है। पिछले 24 घंटे से मुंबई में आसमान से पानी बरस रहा है। ये अंधेरी का इलाका है जहां बारिश की वजह से सबवे में लबालब पानी भर गया, जिस वजह से इसे कल ही बंद कर दिया गया था। बारिश की वजह से मुंबई के नाले ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं। अंधेरी का ये सबवे, जब भी बारिश होती है तो सबसे पहले यही पानी भरता है। और देख लीजिए, पानी अब भर चुका है। आसपास का जो इलाके का पानी है वो भी पहुंच रहा है। और आप देखेंगे अंदर, आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सीवर जो है उसका पानी भी इसी के अंदर निकल रहा है। रोक दिया गया है यहाँ पर। उस पार आसिफ दिखाइए, उस पार भी सड़क पर रस्सी लगा दी गई है, आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी, लोगों को आने से रोका जा रहा है। तो इस तरीके से अब जब इस सबवे में पानी भर गया है, ट्रेनें ऊपर से गुजर रही हैं पर सबवे से होकर गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी भर रहा है। मुंबई में पिछले कई घंटे से हो रही लगातार बारिश का असर अब साफ तौर पर मुंबई में देखने को मिल रहा है। इस समय हम परेल इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं सड़क के चारों ओर जल जमाव हो चुका है। यहाँ से गुजर रही गाड़ियों को भी काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, लंबी जाम देखने को मिल रहा है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, यहाँ सभी को गुजरने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई में लॉकडाउन के चलते जो आपातकालीन सेवा शुरू है, आप देख सकते हैं जो घर लौट रहे हैं उनको काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पूरा परेल इलाका इस समय जल से भरा हुआ है। हर साल का यही दृश्य होता है। आप सामने नजर दौड़ाएंगे तो आपको ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर सड़क के किनारे जो लोग हैं फुटपाथ से होते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जो मैन होल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और इसी से बचते हुए जो लोग हैं वो फुटपाथ का सहारा लेते हुए गुजर रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर पानी में डूब चुकी हैं लगभग। दूसरी ओर का जो आप दृश्य देख रहे हैं वो दादर हिंद माता का इलाका है, हिंद माता परिसर, वही जो हर साल बारिश में भरता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ब्रिज पे गाड़ियों की लंबी कतार लगना शुरू हो चुकी है। मुंबई के पॉश इलाकों में से एक बांद्रा में भी भारी बारिश की वजह से लगातार हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। अरब सागर की इन लहरों को देखिए, ऊंची ऊंची ये लहरें और इन ऊंची लहरों के संग आसमान से बरसता पानी, ये एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति मुंबई के लिए बनाता है। जोरदार बारिश के संग जब हाई टाइड होती है तो मुंबई में जल भराव की समस्या आ जाती है। आपको आसिफ दिखाएंगे कि किस तरीके से जो तटवर्ती इलाका है दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई देगा, समुद्र का पानी है और जोरदार बारिश है, इसलिए विजिबिलिटी भी खत्म है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक मुंबई और आसपास के इलाके में जोरदार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मुंबई शहर और उपनगरीय इलाकों में अगले 3 घंटों में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। नाला सोपारा इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है, जिस वजह से यहां गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। ऐसा लग रहा है नाला सोपारा की ये सड़क एक तालाब में तब्दील हो गई है। हालांकि कुछ जगह लोग मॉनसून की इस बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये तस्वीरें विले पार्ले की हैं, जहां ऑफिसर्स कॉलोनी के बाहर बच्चे पानी में खेलते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लोलाइन वाले इलाकों में नदी के तट के पास भारी जलभराव होने का अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को तटों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।